अगर आप लोग इंस्टाग्राम में प्रोफेशनल मोड करना चाह रहे हो, अगर आपका प्रोफेशनल मोड नहीं हो रहा है, कुछ एरर आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा है, तो आप किस तरह से आप अपना इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, इस वीडियो में जानने वाले हो। और आपको 100% जेन्युइन ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू से आप इजी से प्रोफेशनल मोड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये प्रॉब्लम काफ़ी लोग को आ रही थी। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने अकाउंट को प्रोफेशनल मोड कर चुका हूँ, यहाँ पे देखिए टोटल चीज़ मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। यहाँ पे सेटिंग प्राइवेसी, जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम का एक नया फीचर आया है, ठीक है, नया अपडेट आया है, जिसमें सेटिंग प्राइवेसी के यहाँ पे ऑप्शन आ गया, जिसके थ्रू से काफ़ी सेटिंग चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप इजी वे में अपना इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्रिएटर टूल्स पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे टोटल फीचर आपको शो कर जाता है, यानी कि मैं इसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं इसको कन्वर्ट किया था प्रोफेशनल मोड में, ठीक है। मेरा भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, जो आपको फर्स्ट में आपको देखने को मिला, उसी तरह से सेम प्रॉब्लम मेरे को भी आ रहा था, ठीक है। तो मैंने कैसे इसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट किया, किस ट्रिक्स मैंने यूज़ किया, सो बताता हूँ आपको। दो ट्रिक बताऊँगा, दो ट्रिक आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सिंपली से अपना प्रोफेशनल मोड के लिए आपको सिंपली से अपना अकाउंट पे आना है। अकाउंट में आने के बाद, यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में आना है, यहाँ पे आपको अकाउंट को रिमूव करना है, ठीक है। जो भी आपका फेसबुक से लिंक होगा उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो भी फेसबुक अकाउंट का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ पे लिंक था, इसको मैंने सिंपली से रिमूव कर देता हूँ। इसके लिए आपको सेटिंग में आना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अकाउंट में आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट में क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको फिर से आपको फेसबुक आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जो भी आपका फेसबुक अकाउंट था उसको रिमूव करने के बाद फिर से आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपली से आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड पे क्लिक कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक ऐड ले लेगा, ठीक है। आने की आपको सीधे वे में बताऊँ तो आपको इंस्टाग्राम में अपना सेटिंग में जाने के बाद जो भी आपका फेसबुक से लिंकअप था उसको हटा के फिर से ऐड करना है, ठीक है। हटाने के बाद फिर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद गाइस आपको फर्स्ट ट्रिक ये था, ये ट्रिक करने के बाद फिर से आपको चले जाना वहीं पे, और यहाँ पे सिंपली से आता हूँ और यहाँ पे देखिए अकाउंट टाइप्स ऑफ टूल्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए स्विच टू प्रोफेशनल मोड में जाऊँगा, क्योंकि यार ये देखिए अबर जो सेटिंग चेंज हुआ इसके थ्रू से आपके यही आपको सेटिंग शो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिंपली से सेलेक्ट करता हूँ जो भी मेरा कैटेगरी है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद गाइस जो भी मैं अपना कोई भी एक कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा। तो देखते हैं ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो मैं आपको दूसरा ट्रिक बताऊँगा, दूसरा ट्रिक मैंने काम किया हूँ, क्योंकि मेरा ये ट्रिक से भी काम नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि यहाँ जैसे काफ़ी लोग को ये ट्रिक काम करता है, काफ़ी लोगों का ट्रिक ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली से ये ट्रिक काम मेरे को भी नहीं किया अभी तक। तो चलिए मैं आपको फिर से बताऊँगा कैसे आपको करना है, ठीक है। ये ट्रिक फेल हो चुका है, यानी कि ये ट्रिक यूट्यूब पर बताया था, ये ट्रिक मेरे को काम नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी ये ट्रिक बताया गया है तो आप गाइस ये ट्रिक ट्राई करके देखना, अगर कर लेते ठीक है, करते तो आपको मेरे जैसे सेकंड ट्रिक यूज करना है। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर सिंपली से instagram.com सर्च करना है। जो भी आपका आईडी है जिसका भी आपको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं पर्सनल अकाउंट से, उसका यहाँ पे यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर लेना, ठीक है। instagram में लॉगिन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको प्रोफाइल का लोगो में क्लिक करना, यानी कि आपको होम पेज में आना और यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, तो इस पर सिंपली से दोस्तों आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली से अपना प्रोफाइल में आ जाने और यहाँ पे आपको सिंपली से सेटिंग का ऊपर में जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड में, उस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद आप नीचे आओगे गाइस, यहाँ पे देखिए स्विच टू प्रोफेशनल मोड, यानी कि स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधे वे में कर सकते हो जैसे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली से दोस्तों इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कोई क्रिएटर है तो आप क्रिएटर की जगह, अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो या फिर फोटो वगैरह पोस्ट करते हो, यहाँ पर सिंपली से क्लिक करना है क्रिएटर में। अगर आपको कोई बिजनेस है, यहाँ पे आप इसमें आप क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आप कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो वगैरह बना तो मैं एक वीडियो क्रिएटर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद डन पे क्लिक कीजिएगा, आपका ये प्रोफेशनल आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके यहाँ पे गज लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन था जिसमें मैं पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद गाइस योर अकाउंट क्रिएट रेडी, यानी कि ये मेरा गाइस प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल मोड मेरे पास यहाँ पे शो करेगा। आपको गाइस लाइव में आपको इंस्टाग्राम ओपन करके दिखाता हूँ, जो भी आपका ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम जो भी इंस्टाग्राम का मेन अकाउंट होता है उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पर्सनल मोड में मेरे कन्वर्ट हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों अपना इंस्टाग्राम ओपन कर, तो यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम का राइट साइड में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए मेरा प्रोफेशनल मोड यहाँ पे ओपन हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल का है, जनरल है, प्राइमरी है और यहाँ पे रिक्वेस्ट है, यानी कि मेरा प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि प्रोफेशनल अकाउंट बन चुकी है, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम का जो भी मेरा पेज है प्रोफेशनल बन चुके हैं। यहाँ पे मैं सिंपली से अकाउंट टूल्स में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए एड न्यू पर्सनल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मेरे 100% ये बन चुके हैं। अब गाइस यहाँ पर बात आते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट कौन है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट टेक ग्रो राउल टू, मेरे को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का अकाउंट यही है मेरे को, इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है।
और कोई भी फेक अकाउंट पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। मेरे नाम से बहुत लोग फेक आईडी बनाया, उस पर ट्रस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा।